हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30, और मैं अभी जगी हूँ क्योंकि रात भर बेबी सोने नहीं देती, बार बार उठ जाती है रात में। तो अभी जगी हूँ और आज होने वाला है घर में हवन नामकरण के लिए, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हैं मेरी मदर इन लॉ। छोटा सा ही हवन करवाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस हम घर के ही लोग हैं, किसी को बाहर से इनवाइट नहीं किया है। पंडित को मेरे हस्बैंड ने कल शाम को बोल दिया था आने के लिए, और जो भी पूजा का सामान होगा वो खुद ही ले आएंगे अपने साथ। तो ऐसा कुछ खास लेके भी नहीं आना मार्केट से, बस फूल वगैरह, मिठाई वगैरह जो लेके आनी होती है, फल वगैरह वही लेके आना है, और बाकी सारी चीज़ें तो वो पंडित जी अपने साथ में ही लेके आएंगे। तो देखते हैं लेटर, किस लेटर से नाम निकलता है आज इसका। और तब तक के लिए अभी ये सो रही है तो मैं फटाफट आ जाती हूँ नहा के, मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। तो यहाँ पे है 1 गिलास दूध और पंजीरी, जो कि मैं अभी सबसे पहले खाऊंगी। तो यहाँ पे रेडी में हो गई हूँ और पंडित जी भी आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं पूजा में। महासरस्वती प्रसन्न भवतु हेतु इदं कन्या रत्न जन्मनार्थ हवनम पुंगीफलम ताम्बलम तुभ्यमहम अग्निदेव। तो पूजा हमारी हो गई है यहाँ पे खत्म, और पंडित जी अभी चाय पी रहे हैं, उसके बाद वो जाएंगे यहाँ से। और नाम का फर्स्ट लेटर क्या निकला है वो मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद। टाइम भी यहाँ पे 10 बज गए हैं, मेरे हस्बैंड को अभी ड्यूटी जाना है, तो पहले हम लोग जल्दी फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आफ्टरनून में आए हैं हम लोग मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम था, कुछ शॉपिंग करनी थी उसके लिए। बेसिकली कुछ दिनों के बाद बेबी के लिए कुआ पूजन का कोई फंक्शन होगा, तो उसके लिए मुझे अपनी ड्रेस लेनी थी, और बेबी की और मेरे हस्बैंड ने ड्रेस लेनी थी, तो वही हम लोग ड्रेस लेने के लिए आए हैं मार्केट। तो अभी हो गए हैं शाम के 4:30, और हम लोग पहले चले गए थे मार्केट। तो पूजा के बाद हम लोग मार्केट चले गए थे, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, अभी मैं फिट करवा रही थी बेबी को, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ किस लेटर से नाम निकला है। तो लेटर जो निकला है बेबी के लिए, जो पंडित जी ने निकाला है, वो है एन, एन फॉर नेस्ट। लेकिन हमें किसी ने सजेस्ट किया है जिस लेटर से नाम निकलता है उससे ना रख के हम पेरेंट्स के नाम से, मतलब कि मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम से दो दो लेटर लेके उससे नाम निकालें, उससे नाम रखें। तो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या नाम रखा है बेबी का। तो तब तक के लिए, तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखते रहना, क्योंकि आगे की वीडियोस में आपको पता चलेगा कि हमने अपने बेबी का क्या नाम रखा है। और अभी नाम हमने सोचा भी नहीं है, तो जब तक हम सोचेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि नाम हमने क्या रखा है अपने बेबी का। यह है इस वीडियो का सेकंड डे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साइड में कोई फंक्शन होता है कुआ पूजन का। स्पेशली ये फंक्शन लड़का होने पे करते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ बोले कि गर्ल पे भी करेंगे, लड़की होने पे भी करेंगे, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे पानी भराने की कोई रस्म होती है, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं बाहर नलके पे, मतलब हैंडपम्प हो कहीं पे, वहाँ पे कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे नहीं होती है। बोल में मानने जैसे ऐसे ऐसे डांस। साइड से कर लो।
तो पूजा करके हम लोग आ गए हैं। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।